और आई स्वेयर जितने इंडियंस दिख रहे हैं ना इंक्लूडिंग अस सब अनफिट ना, बिकनी तो है नहीं हमारे पास, हम पानी में कैसे जाएंगे तो समझ नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है। इसने अपनी वीडियोस में फेम लेने के लिए बोला सिर्फ कि मेरी मम्मी तो डांटती है मुझे छोटे कपड़े पहनने से। आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे एंड आज मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ है क्योंकि यू नो मतलब पहले ऐसा मेरे साथ होता था, इस बार मेरी बहन के साथ हो रहा है। आज हम लोगों का प्लान था कुछ कुछ जगह कवर करने का, बट हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि मेरी बहन को अर्जेंटली ऑफिस का काम करना पड़ रहा है और गुस्सा इस बात का रहा है मुझे कि आज संडे है यार, लेट हर इन्जॉय थोड़ा सा। बट चलो कोई बात नहीं, काम तो करना ही है ना, तो वो अपना काम करिए और मैं अकेले बस यहाँ पे घूम रही हूँ। और इट्स ऑलमोस्ट 2 PM, हमारा निकलने का प्लान था 9 एंड सब चौपट हो गया, तो अब क्या ही कर सकते हैं है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब प्लान है कि 3 बजे निकलना है यहाँ से, मैं बस वेट कर रही हूँ कि अगर उसका हो जाता है बाय 3 PM तो अच्छी बात है, एटलीस्ट वो भी चल लेगी, इतने दूर आए हैं इतने पैसे लगे हैं, तो आई डोंट वॉन्ट हर टू मिस एनीथिंग। और अगर मान लो 3 बजे तक नहीं हो पाता है तो अनफॉर्चुनेटली मुझे मैं ही अकेले चली जाऊँगी, क्योंकि फिर क्या फ़ायदा है ना, पैसे दिए यार, तो एक बंदा भी जाए वो भी ठीक है, अगर मैं जा सकती हूँ तो मैं चली जाऊँगी, मन नहीं कर रहा मेरा बट क्या ही करूँ। तो यही अपडेट है। बाय द वे मैं आपको अपनी ड्रेस दिखाऊँ, इट्स सो प्रिटी। तो मैं ट्राईपॉड नहीं लाई हूँ इसलिए, जा रही हूँ अकेले, क्या था वो ग्रिल पंजाब, मेरी बहन तो नहीं आ पाई सो आई एम गोइंग अलोन, ड्राइवर भैया ने कर दिया था ड्रॉप, सो सैड। गोवा में हम गए थे वहाँ तो चलो हमारी लड़ाई हो गई थी, इस बार हम लोग शांति से, तो बेचारी का ऑफिस आ गया यार। ओ आ गई मैं ग्रिल पंजाब, और फिर उसके मैंने नान और पनीर खा लिया है, यहाँ पे सारे इंडियन भी आए हैं ऑब्वियसली, जाएंगे। अब मेरी जो बहन है वो अब यहाँ पे आ रही है, ड्राइवर भैया उसको वापस लेने गए हैं, वो यहाँ पे आएगी, वो फिर खाएगी, फाइनली शी इज़ फ्री फ्रॉम हर वर्क, अब वो जा सकती है। नहीं तो मुझे लग रहा था यार राइस फील्ड वगैरह स्विंग्स वगैरह मैं अकेले जाऊँगी, बट चलो उसका काम हो गया, फाइनली गधी आ गई। इसकी वजह से आज का पूरा दिन बर्बाद हो गया। We'll be right back.
कहाँ पे? अच्छा ये कर लेते हैं ना, एक तो स्विंग वाला। नहीं चीटोस है। पर ये इतने की कुत्ता है क्या? ये आवाज देने पे आया कैसे? इज ही अ डॉग? डॉगो? ओए मस्ती में वो पूछ ले रहे। पर ये किसको बुलाने से यार ये आ कैसे गया? वो भी इतने खुशी से आया है और पता है नीचे वाला पैर मार रहा है। मैंने जैसे गोदी में हटाया यार अब हमें फाइनली बिल्लियों से प्यार करना आ गया। अब तू ले ले, तुझे चाहिए ना। गुस्सा कर रहा है, देख रही है, सुन रही है, गुस्सा कर रहा है उसकी पूंछ। सोच रहा था मैं फालतू में आया इनके पास। नो नो, तुम इतनी सुंदर जगह रहते हो। सुन रही है पर मैंने इसकी इतनी प्यारी फोटो खींची है ना। कहेंगे मैं फालतू में इनके पास आ गया। कहेंगे नहीं कहेगा। कहाँ जा रहे हो ओए ए बंदर? आजा इसको देखो। क्यूट क्यूट चीजें हैं वैसे, बट वेरी एक्सपेंसिव। 2 लाख रुपए की एक ड्रेस। मैंने बस एक ये टॉप लिया क्योंकि बाकी चीज़ें भी अच्छी लग रही थी, बट मेरे को बहुत ज़्यादा महंगा लग रहा है तो मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ। दैट वाज दिस वन। और ये बहुत ज़्यादा प्यारा है। Many hours later. Hi guys. क्योंकि हम दिन भर सो रहे थे और हमने कुछ ऐसा किया नहीं तो हम रात में बाहर निकल रहे हैं। मैंने तो एमी कुछ भी पहन लिया, ये ब्लैक टैंक टॉप एंड शॉर्ट्स और नीचे ये गोवा से जो मैंने चप्पल खरीदी थी। आई होप आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। हाँ ये वाली चप्पल जो मैंने गोवा से खरीदी थी। आज के दिन के सबसे बेस्ट पार्ट था जहाँ पर हम गए थे वहाँ पर हमें एक प्यारी सी बिल्ली मिली, उसके साथ हमने खेला। बस आज के दिन का हाईलाइट मेरे लिए वही था। अभी मैंने इंस्टा पे एक पोस्ट किया तो आज जो मैंने एक ब्लू कलर की ड्रेस पहनी थी वही वाले सारे पोस्ट डाले। तो एक लड़की ने कमेंट किया है, अभी आई थिंक 2-3 मिनट ही हुए होंगे, तो उसने कमेंट किया कि कपड़े पहने क्यों हैं, उतार दो ऐसे कुछ। और 2 मिनट के अंदर अंदर उसमें 10-12 लाइक्स ऑलरेडी, और मैंने चेक किया वो सारी लड़कियों ने लाइक किया हुआ है। काटेगा तो नहीं? बैठ जाते। दिस इज फॉर यू। दिखाना कैसा लगेगा ये? क्या इनका स्ट्रेट हो गया? ये तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। Hi. Yes. Why? Bobo. Bobo, you're so cute. You are.
not shake you. What are you going to do? You're going to come with me or go there? I think he's going to come with you. She's going. Go. Go. ट्राई करें ओरियो वगैरह तो हम खाते ही रहते हैं चलते चलते ऐसे खाने के लिए मुझे कुछ चाहिए ओ ये कहाँ है चोको पाय लॉटे चोको पाय हमारे यहाँ ये वाला नहीं मिलता ना हाय टेबल फॉर टू सॉरी माय नेम इज रूपानी नमस्ते नमस्ते तेरी कंट्री का है Hours later. We are having our coffee. और हमारे पीछे इतनी क्यूट सी चीज़ है तो यहाँ पर जब भी कोई आता है ना तो यहाँ पे से कुछ ना कुछ अपने मन की चीज़ें लिख के जाता है और कोई क्यूट सा है ना डोंट क्विट किस किस ने आके लिखा होगा ओह बी इंस्पायर्ड और आई थिंक ये बिल्ली है और ये कुत्ता है मेरे को भी लिखना है वाओ नाइस ये कोई पक्का आर्टिस्ट होगा कितनी क्यूट चीज़ है यार यू आर इनफ सच में ये तो मेरे लिए है यू आर इनफ सर पे हाथ रख तेरा All veg. Tea. All veg. Tea नहीं है वो कॉफी है Okay. जो भी है आज मैं गोवा का एपिसोड 1 लाइव कर दूँगी और कल रात मतलब पूरी जो फुटेज थी ना इट वॉज अराउंड 200 टू आवर्स की जिसको एडिट करने में मुझे 2 दिन लगे हैं अदरवाइज अगर 1 घंटे की होती है तो मुझे 1 दिन लगता है वेरी स्लीपी अच्छा कल किसी ने मेरे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि शी इज सो फेक इसने अपनी वीडियोस में फेम लेने के लिए बोला सिर्फ कि मेरी मम्मी तो डांटती है मुझे छोटे कपड़े पहनने से और अब खुद छोटे कपड़े पहन रही है ब्ला 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 पहली बात तो अगर ये झूठ है तो ऐसे झूठ बोलने से फेम मिल जाता है अगर मेरे सब्सक्राइबर्स हैं तो वो यही लाइन सुन के ही तो आए होंगे कि कि मेरी मम्मी मुझे डांटती है छोटे कपड़े पहनने से कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करते कोई माइंडसेट आज से 10 साल पहले था वो 10 साल बाद भी एग्जैक्ट सेम होता है लेकिन कुछ लोग होते हैं जो टाइम के मतलब दूसरों की बातें सुनते भी हैं और खुद को चेंज करने की भी कोशिश करते हैं जैसे कि मेरी मम्मी ओके और पहली बात तो वो जो कपड़े पहनने के लिए मना करती है ना उनके वो अपने रीजंस हैं जो कि उनके जगह वो सही है ठीक है यहाँ पे मैंने कभी भी उस वीडियो में भी यही बोला था कि कोई सही और गलत नहीं है मैं भी अपनी जगह सही हूँ और वो अपनी जगह सही है लेकिन उन्होंने फिर भी मेरी चीज़ें समझी और वो कभी भी ये नहीं बोल वो सिंपल हमेशा उनका ये होता है जैसा देश वैसा भेष उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी मम्मी को मैं सारी फोटोज भेजती हूँ मेरी मम्मी मुझे नहीं डांटती हैं ठीक है और बाकी इस दुनिया में जिसको भी ऑफेंड होना है मेरे कपड़ों को लेके वो होता रहे आज भी मैं फोटोज डालूंगी इस आउटफिट में और मुझे बहुत मजा आएगा दो चार कमेंट्स तो होने चाहिए थोड़े फेंसर नहीं तो मजा नहीं आता मुझे बाय द वे माय मेकअप इज लुकिंग सो गॉर्जियस बाली की लाइटिंग में ही मुझे लगता है थोड़ा सा है कुछ जो आपकी शक्ल को थोड़ा सा ग्लोई बना देता है सी और एक और मैं रिमाइंडर देना चाहती हूँ होता है ना जस्ट अ रिमाइंडर सोशल मीडिया इज सो फेक क्या कहना चाहती है ट्रू एक बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया मतलब ऐसे पैकेज लेने का कि आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको आइटनरी बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको ये देख होटल्स सर्च करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा बेस्ट है क्या है आप बस अपना बजट बता दो वो आपके बजट के अकॉर्डिंग आइटनरी प्लान कर देंगे होटल सजेस्ट कर देंगे आपके लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर देंगे तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है ऑनेस्टली पहले मैं सोच रही थी कि पता नहीं पैकेज लूँ महाराजा ट्रैवल से ना लूँ बट मेरे को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हुआ तो इन फ्यूचर आप कहीं पर भी आउटसाइड इंडिया और
विद इन इंडिया ऑल्सो. आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं विद इन बजट, तो आप उनसे एक बार ज़रूर कंसल्ट कर सकते हैं. उनके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डायरेक्टली उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर और उनके व्हाट्सएप पर. मैं दोनों ही चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो मेक श्योर आप चेक कर लेना. यार ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, ये हमारे देश में ऐसी घूमती रहती हैं. क्या हुआ? छोटी बिल्ली ये क्या कर रही है अचानक से? ये प्यारी थी इतनी छोटी ऑरेंज, उसको बंद कर रखा था. नहीं घूम रही है वहाँ. ठीक है पर थोड़ा नॉर्मल ओवर एक्टिंग मत कर. व्हाट्स योर नेम? ननंग. ननम. ननंग. ननम. एनजी. आई होप यू आर नॉट एंग्री विद अस, यू वेटेड फॉर अस फॉर मोर देन 2 आवर्स. नो प्रॉब्लम. सो बेसिकली यू नो यूट्यूब? Yeah. You know YouTube? Yeah, I know. So I am a YouTuber. Oh, you are a YouTuber. So I am vlogging everything. Oh, so, okay. अब बोल वो. मैंने क्या? क्या? अपनी तरफ करके देखते हैं ना, ऐसे अपनी तरफ. Welcome back to my channel. बता तू क्या बोल रही थी? अरे मैं ये बोल रही थी कि यहाँ पर बिल्कुल भी honking नहीं होती है, और दिल्ली में या फिर कहीं पर भी मतलब ये मत सोचना है कि यो बाहर जाके अपनी कंट्री की बुझाई करनी है. हम बस ऐसे आ ही जाते हैं ना, मतलब दिमाग में कंपैरिजन की ओ यहाँ पर ऐसा होता है वहाँ पे ऐसा होता है. तो ऑब्वियसली आप दूसरे देश में आए हो तो आप उनकी तो मतलब तारीफ ही करोगे ना. हाँ वही तो. और याद है कब से लाइन में खड़े हैं? और जैसे हम लोग यहाँ पे भी ट्रैफिक वैसा ही लगता है जैसे आपका दिल्ली मुंबई में. मैं थप्पड़ मार दूंगी. तो जैसे हमारे मुंबई दिल्ली इन सब में ट्रैफिक लगता है ना एग्जैक्टली उतना ही ट्रैफिक यहाँ पे भी है. लेकिन यहाँ पे बिल्कुल भी पै पै पू पू चै चै बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल हॉर्न कोई बजाता ही नहीं है. और इससे पता चलता है कि लोगों को यहाँ पे ड्राइविंग अच्छे से आती है. और यहाँ के लोग इतने ज़्यादा स्वीट हैं, कैसे बताऊँ. जैसे इनके यहाँ पे भी नमस्ते वाला कल्चर है और हमारे यहाँ पे भी नमस्ते वाला कल्चर है. ऊपर ये खाली एकदम झुक के बोलते हैं. और हम कोई ऐसा कोई मिस नहीं करता. हम किसी कैफे जा रहे हैं, हम किसी होटल जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, तो जैसे हमने खाया पिया और हम उठ के जा रहे हैं तो कोई लड़की के वहाँ रिसेप्शन पे खड़े है कोई स्टाफ, वो मिस भी कर सकता है कि क्या वहाँ पे जाके करो. वो जैसे हम निकलते हुए जा रहे हैं वो आएंगे पीछे से और बोलेंगे थैंक यू. ऐसे नहीं पर वो ऐसे पूरा झुक के थैंक यू. और ऐसे नहीं कि एक एक जगह हमारे साथ ऐसा, हर जगह लिटरली. तो वो बहुत अच्छे से ना मतलब जो बाहर से आते हैं दूसरी कंट्री से उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं. कोई भी ऐसा अभी तक आई स्वेयर कोई क्रीमी नहीं दिखा. वही मुझे ना कैप चाहिए. शैल वी? आई थिंक वी शैल नॉट बिकॉज़ वी डोंट हैव मनी. वी आर ब्रोक. वी डोंट हैव मनी. मुझे प्रिटेंड करने में मजा नहीं आता है यहाँ पे. मैं ब्रोक हूँ. बेवकूफ गधी कहीं की. लोगों को यही लगता है कि प्रिटेंड. इन्होंने ये ठप्पा लगा दिया यार गंदा सा. नहीं यहाँ पे तो पकड़ यार. बहुत अच्छे अच्छे मार्केट्स हैं. आज मैं ना आप लोगों को लोगों के कपड़े दिखाऊंगी कि मैं तो ये कुछ भी नहीं पहन रही. अगर आप ये चीज़ देख के जो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, दिस इज नथिंग. और दूसरी चीज़ यहाँ पे तो कोई किसी को ऐसे देख भी नहीं रहा, कोई किसी को जज भी नहीं कर रहा कि किसने क्या पहना हुआ है. सब अपने अपने में और सब मज़े मार रहे हैं. और मैं दिखाऊँगी कि क्या फैशन होता है. ठीक है लोगों के कपड़े दिखाऊंगी. तो वो फनी थे. फनी? फनी थे वो. बहुत फनी थे. क्यों? मुझे भी यहाँ पे फोटो खिंचाना. क्यों? अपने टिकट पकड़ना. हम कहाँ आए मैं भूल गई. तो हम वहाँ तक चल के जाएंगे. यार वो रहा वाटर पिक्चर अच्छी नहीं खींची. सबने यहाँ पे बिकनी पहनी हुई है यार. मुझे वो रहा है फोमो. वैसे मेरा कोई बिकनी से कम नहीं है. ओ यहाँ से फोटो अच्छी आएगी. पर वो रहा पूल, इंफिनिटी पूल, एंड दैट्स द
वॉटरफॉल। But I don't know how to swim. I love pani, pani. Paru meri video mein na chali idhar. What if I fall? Pani. Stupid. This is a beautiful place. My God, this is so cool. Come follow me. वहाँ कैसे जाना है और बिकनी तो है नहीं हमारे पास, हम पानी में कैसे जाएंगे? तो समझ नहीं आया, बहुत टेंशन हो रही है। ऊपर डे क्लब है। वो उसकी वीडियो बनाओ, उसकी बना। बना रही हूँ अम्मा। चल हम तो ब्रिज क्रॉस करके जाएंगे। माँ दिस इज स्कैरी। अभी तक मैं टाइम नहीं हुई थी बट आज होने वाली हूँ फॉर श्योर। ये रखू बस और पर्स मेरे को दे दे। हमने एक और चीज़ नोटिस करी है कि हम देख रहे हैं जो भी लाइक 90% क्राउड जो है वो सारे बाहर के मतलब नॉन इंडियंस है, इधर उधर के कोई कोरिया जापान या फिर यूरोपियंस हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह के, सब फिट हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ, 0.001% आप लगा सकते हो कि कोई हमें इक्का दुक्का, वो भी अगर कोई बहुत ही एजड है तो शायद हमें दिखाए कि हाँ ठीक है कोई इतना अनफिट है। और आई स्वेयर जितने इंडियंस दिख रहे हैं ना इंक्लूडिंग अस, सब अनफिट। और फिटनेस का मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि सबका दिखता है कि सब वर्कआउट करते हैं, बॉडी देख के सब पता चल रहा है। और हम लोग इतने ढीले ढाले से थक जा रहे हैं छोटी छोटी बात पे। मतलब ऐसा लग रहा है कि छी मैं कितनी आलसी हूँ, समझ रहे हो कि मैं जा सकती हूँ, जब इंगे सारे कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। और इसमें हम किसी पर एहसान तो कर नहीं रहे, मतलब अगर मैं वर्कआउट करूँ। Do you want to sit? No. So, अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं तो वो हम अपने लिए करेंगे, किसी और के लिए तो करेंगे नहीं। अगर मैं वर्कआउट करूँगी तो उसमें मेरा ही भला है, किसी और का तो भला है नहीं। तो इसमें अगर मतलब ऑफेंड होने वाली कोई बात है नहीं, जिसको जो सोचना है वो तो वो सोचेगा ही है ना। बट मैं तो अच्छे सेंस में बोल रही हूँ, पता नहीं कितने लोग समझेंगे, बट मेरा कुछ और इंटेंशन है। चल छोड़ो इस बात को। अब हम बेजी उबुद रिजॉर्ट से चेकआउट कर रहे हैं एंड दिस रिजॉर्ट वॉज ब्यूटिफुल एंड ये बहुत अफोर्डेबल भी था। जितने हमने रिजॉर्ट्स देखे थे काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल ये पड़ा था और मेरी तरफ से इसको क्या बोलते हैं फुल मार्क्स फुल पॉइंट्स। और जैसे ये पब्लिक वॉशरूम है मतलब इस रिजॉर्ट का, ठीक है यहाँ पे कोई भी आ जा सकता है। और जहाँ के वॉशरूम्स नीट एंड क्लीन है ना, ये बस पहचान है किसी भी जगह की कि वो होटल रिजॉर्ट जो भी है वो अच्छा ही है। एंड आई एम गोना मिस दिस, ऑल्दो मैंने यहाँ पे इतना टाइम स्पेंड किया नहीं है, बट ये काफ़ी प्यारा रिजॉर्ट था। आई लव्ड इट, बहुत ही सुंदर शांत वेरी प्रिटी। तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हो इफ यू एवर विजिट बाली। और यहाँ से सारे मार्केट सब कुछ बहुत ज़्यादा पास है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। नाउ लेट्स गो टू
नूसा पेनेदा एंड ये व्लॉग मैं यही पे एंड कर रही हूँ क्योंकि नूसा पेनेदा जाएंगे, नई जगह है तो नया व्लॉग होना चाहिए, है ना। अगर आपको ट्रैवल सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। एंड नाउ आई एम गोइंग, कैब वेट कर रही है तो अब मिलते हैं हम डायरेक्ट आपको नूसा पेनेदा। इट्स एन आइलैंड, मज़ा आएगा वहाँ पे।